चुका है वैक्सीन प्लस इन्फेक्शन मिला के बात कर रहा हूँ, मैं वैक्सीन को भी माइल्ड इन्फेक्शन की तरफ माना जाएगा, तो वैक्सीन में यू ऑल्सो गिव प्रोटीन्स विच डज नॉट कॉज सीरियस इन्फेक्शन बट इट प्रोड्यूसेज इम्यूनिटी। तो इस तरह से भारत अभी भी सेफ है, और मैं भारत के आपके चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भारत की जनता को अब हम डेढ़ दो महीना से BF7 हमारे हो चुका है, भारत की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम क्या कर सकते हैं, जो प्रिकॉशनल डोज है, थर्ड डोज है इम्यूनिटी की, जो केवल काफ़ी कम लोगों को लगाई है, उसकी हिदायत उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना चाहिए, जिसकी वजह से और प्रोटेक्शन बढ़े, और साथ साथ मास्क पहने और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस्तेमाल करें। अभी भी मैं देखता हूँ नए साल का सेलिब्रेशन हुआ है, काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं पहना था, तो गॉड इज़ विद अस, और हम देखते हैं कि भगवान की हम लोग के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, तो ये जो प्रोटेक्शन हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी वाला है वो काम कर रहा है जैसा मैं सोच पा रहा हूँ, और इसमें अब डरने की जरूरत नहीं है। इन इंग्लिश व्हाइल टॉकिंग प्लीज लुक एट मी, डोंट सी ऑन द कैमरा। सो इंडिया हैज रिकॉर्डेड 173 न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड वन मोर अपडेट दैट मैंडेटरी प्री डिपार्चर RT-PCR टेस्टिंग विद इन 72 आवर्स प्रायर टू अंडरटेकिंग द जर्नी। सो व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ 137 to 140 क्रोर्स एंड विच द कंट्री विच हैज़ सीन ह्यूज डिवास्टेशन इन टर्म्स ऑफ डेथ एज वेल एज नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड। सो आई वुड लाइक टू रिकॉल अगेन फॉर योर मेमोरी एंड फॉर द मेमोरी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दैट द फर्स्ट केस केम फ्रॉम चाइना इट्सेल्फ एंड दैट वॉज वुहान लेबोरेटरी।